मैं पढ़ाई कर रहा था, 6:00 लगभग 50 मिनट हो रहे थे। अच्छा 45 में शोर शराय दिया तो मैंने अंदर से कुंडी बहुत जोर से लगा ली, लेकिन मेरी कुंडी ऊपर जाके मुड़ नहीं पाती। तो आप अकेले ही थे? बिल्कुल सर, मैं अकेला था और मेरा रूममेट नहीं है सर। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो सर फिर वो दरवाजे को लॉक किए और मैं बोलता रहा मैं ब्लाइंड हूँ, रहने दो, मेरा दरवाजा मत तोड़ो। तो उन्होंने इतनी जोर जोर से उस पर हमला किया और शीशे को मारा सरिये से, तो शीशा सीधे मेरे सिर पे आ गया। ओके, सर पे नहीं चोट लगी, बाकी सर शरीर में बहुत मारा है, सरिये से मारा है। तो मतलब अंदर घुस करके आपको पीटा? फिर पीटा मारा और फिर जब पता चला कि ब्लाइंड है तो कहा कि इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। फिर ये कहता रहा नहीं झूठ बोल रहा है, तो एक दरवाजे के पास खड़ा रहा, मुझे लगता है बहुत देर तक मुझे देख रहा होगा शायद, देखने के लिए, जज करने के लिए कि ब्लाइंड है या नहीं। ओके, कितनी देर तक रहे होंगे सर? ये लगभग 20 मिनट तक चला और 1 घंटे तक पूरे माहौल पूरा दहशत में। और पूरा आपका ही कैंपस है? पूरा के पूरा हॉस्टल सर, कैंपस का मुझे नहीं पता, पूरा हॉस्टल। और आप उसके बाद जब ये लोग चले गए उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त मिर्जा भाई और भी लोग, प्रेसिडेंट, सब लोग मेरी हेल्प करके मुझे गेट तक ले गए। तो पुलिस वाला एक कहता है कि इनकी वीडियो बनाओ, मतलब कि जो हेल्प कर रहा है उसकी वीडियो बनाओ, जिसने तोड़फोड़ की उसकी वीडियो बनाओ। तो मतलब पुलिस की भी इनसेंसिटिविटी कि वो आपको देखने के बाद भी आपसे, पुलिस सर अपनी कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रही थी, पुलिस बिल्कुल मुझे संवेदनहीन और बिल्कुल मतलब इसका ह्यूमन बीइंग पर भी इंसानियत होने के नाते उसका क्या रोल है क्या। फिर एम्बुलेंस से मुझे ले जाया गया ट्रॉमा सेंटर, वहाँ मुझे इंजेक्शन पेन किलर वगैरह दिया गया और अभी स्वेलिंग है सर और मैं रात भर से परेशान हूँ। कॉल्स मेरे पास इतनी आ रही है, कॉल्स इतनी आ रही है सर कि तू मीडिया फेस बन जाएगा, तुझे बताना नहीं है किसी को। अच्छा, इस तरह की धमकी भी इस तरह की धमकी आ रही है सर, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। और अब मैंने कल एक पल के लिए बोला था मीडिया से कि मेरा चेहरा ना दिखाएं, लेकिन आप मुझे आप मेरा कुछ भी आप ले जाकर दिखाएं किसी को भी। मुझे कोई डर नहीं है और मेरे साथ जो गड़बड़ हुआ है सर, मैं चाहता हूं किसी और के साथ ना हो। ये एलिगेशंस नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे कैंपस के भीतर जब थोड़ा एबीवीपी की लोगों की तरफ से पेरियार हॉस्टल के अंदर वॉयलेंस किया गया, तो उसके बाद हम सब ने मिलकर जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने काल दी एक पीस मार्च की, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने उसका साथ दिया और हम लोग पीसफुली टी पॉइंट पे बैठे हुए थे और हम ये कह रहे थे कि अब वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, नॉर्मलिटी को लाने की पूरी कोशिश में थे। इतने में कुछ लोग बाहर से इंटर होते हैं, 70 से ज़्यादा लोग थे, उनके हाथ में रॉड्स थे, स्टिक्स थे, जनाब जो चीज़ हो सकती थी मारने के लिए उनके हाथ में थी। उन्होंने टी पॉइंट में हम लोग बैठे हुए, हमने फिर भी कहा कि ये आ रहे हैं तो हम इनसे बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन उन लोगों ने गोदावरी बस स्टॉप जो है अपने साबरमती उससे स्टोन पेंटिंग स्टार्ट कर दिया। वहाँ से जब लोग भागे अपनी जान को बचाते हुए, आपने देखा कि उसी बीच में जेएनयू के प्रेसिडेंट के सर में चोट आ गई है, बाकी लोग भागे, लोगों ने यहाँ आके कुछ ने करा ली। यहाँ पे पहले से जो ये रूम वाले थे ये कंटामिनेटेड थे और इनके रूम में सीधा हमने देखा इतने सारे रूम पास कर दिए, किसी रूम में कुछ नहीं हुआ है तो सीधा 156 में आए हैं और यहाँ पे आगे उन्होंने वैंडलाइज किया है। बड़ी रीजन यही थी कि वो जम्मू कश्मीर से हैं और उस आइडेंटिटी पे आपने टारगेट किया गया।